मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। कहाँ शूट हुई थी डॉन 2? कहाँ कहाँ शूट हो सकती है डॉन 3? डॉन से पहले एसआरके ने किया है कोई नेगेटिव रोल? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही फिल्म के बारे में जिस फिल्म ने रिलीज होके ऑडियंस पे अपना जादू चला दिया था। हम बात कर रहे हैं डॉन सीरीज की। जी हाँ दोस्तों, डॉन सीरीज की अगली फिल्म डॉन 3 बहुत जल्द बड़े पर्दे पर आने वाली है। इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम अभी भी चालू है। हालांकि एक बार शाहरुख खान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर अब भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर लेकर कोई भी कमेंट देने से इनकार कर दिया है और वो इस बात को अब तक राज ही रखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, डॉन फिल्म में शाहरुख खान का एक नेगेटिव रोल था, एक डार्क कैरेक्टर था। डॉन 2 की शूटिंग कई सारे इंटरनेशनल लोकेशंस पर हुई थी क्योंकि डॉन फिल्म में ये कॉन्सेप्ट ही ये था कि वो एक ड्रग अब्यूज से रिलेटेड फिल्म थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं, डॉन 2 की शूटिंग हुई थी मलेशिया, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड ऐसे शहरों में। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि डॉन 3 भी बहुत जल्द आने वाली है। उम्मीद है डॉन 3 की भी शूटिंग लोकेशंस यही सब हो सकती हैं, मलेशिया, इटली, नीदरलैंड, एम्स्टरडैम भी, क्योंकि इन सारी लोकेशंस में ही मेजरली ड्रग रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं, फिल्म में शाहरुख खान का था एक नेगेटिव किरदार और नेगेटिव किरदार इस फिल्म से पहले शाहरुख खान ने निभाया था 2 फिल्मों में। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में आई 2 फिल्मों में शाहरुख खान का नेगेटिव रोल था। पहली फिल्म तो बाजीगर और दूसरी फिल्म डर। बाजीगर में उन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया था जिसमें वो अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं 2 लड़कियों से, क्योंकि उन लड़कियों के पिता ने ही उनके पिता को मार दिया था। वहीं डर में उन्होंने एक कैरेक्टर निभाया था एक साइको वन साइडेड लवर का। दोनों ही फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से शाहरुख खान ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया था, ऑडियंस को दीवाना बना दिया था। दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही थी सिनेमाघरों में और उम्मीद है कि अब ये फिल्म भी शाहरुख खान की बहुत हिट जाने वाली है। आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।